नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। लोकेशन आप देख लीजिए माउंट एवरेस्ट की, नेपाल और चाइना बॉर्डर पर है माउंट एवरेस्ट। देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर ना एक डिजायर होती है, इच्छा होती है एडवेंचर की, और इसी इच्छा के चलते पिछले कुछ सालों में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार 2012 में ऑलमोस्ट 807 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था, यानी वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचे थे। यूएन के डेटा के अनुसार एवरेस्ट रीजन में विजिट करने वालों की संख्या 26,000 थी 2012 में, और तब से लेके अभी तक ये संख्या काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। एक तस्वीर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। आप ये तस्वीर देखिए, इतने सारे लोग जो इस खतरनाक पोजीशन में बैठे हैं, इस खतरनाक जगह पर, ये पर्वतारोही हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने के लिए। तो सोच के देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने के लिए। नेपाल सरकार से गुहार लगाई जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और दूसरे देशों के द्वारा भी कि भाई आप इतने सारे लोगों को लाइसेंस क्यों देते हो, कम लाइसेंस दो ना आप। देखो, वैसे माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचा जा सकता है चाइना की साइड से भी, यानी तिब्बत की साइड से भी, लेकिन वहां से माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ऑलमोस्ट सभी जो पर्वतारोही हैं वो नेपाल में आते हैं और माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है और इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। एक तो देखो, पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो नॉन क्रिटिकल जो गियर होता है, मतलब ऐसा सामान जो ज़्यादा जरूरी नहीं होता, उसे वहां पर डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन बाद में इस प्रकार के सामान को वहां से उठाया नहीं जाता, इसलिए ये भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट जो है वो हाइएस्ट गार्बेज डंप बन गया है। दूसरा, देखो बहुत से पर्वतारोहियों की डेथ भी हो जाती है जब वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, 1996 में एक ही दिन में ऑलमोस्ट 8 पर्वतारोहियों की डेथ हो गई थी, वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक बुक भी आई थी, बेस्ट सेलिंग बुक इनटू थिन एयर, तो काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी उस समय जनरेट हो गई थी कि नेपाल की सरकार कुछ करे, कम लोगों को लाइसेंस दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेपाल की सरकार ने ज़्यादा लोगों को लाइसेंस देना जारी रखा। इस सीजन में देखो 381 लोगों को लाइसेंस दिया गया है, स्प्रिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं, और हर एक लाइसेंस से नेपाल सरकार को $11,000 प्राप्त हुए। एक्चुअल में होता क्या है, कई सारे ऐसे लोग जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको पता होता है वहाँ पर स्पोर्ट्स स्टाफ होगा और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी एडवांस होंगे, तो वो किसी प्रकार से मैनेज कर लेंगे और माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंच जाएंगे। लेकिन देखो, वो ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि अपने स्पोर्ट्स स्टाफ की जान भी खतरे में डालते हैं। इस सीजन में ही, स्प्रिंग सीजन में, 10 लोगों की डेथ हो गई है वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, और 10 में से 4 तो इंडियंस हैं। और देखो, ये तस्वीर जो वायरल हुई है, इस प्रकार से वेट करना 0 से कम टेम्परेचर में, और वो भी इतने खतरनाक स्पोर्ट पर, इससे तो कैजुअलिटीज़ की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर रीजंस भी दिए हुए हैं, लगातार अगर कोई पर्सन 0 से कम टेम्परेचर में रहता है तो फ्रोस्ट वाइट में क्या होता है, शरीर की जो ऊपरी स्किन होती है वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इससे इंजरी हो सकती है। इसके बाद है एग्जॉस्टन, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा थक गया है, या फिर 0 से कम टेम्परेचर में अगर कोई पर्सन ज़्यादा समय तक रहता है तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पानी की भी कमी हो सकती है, जिस वजह से डेथ हो जाती है।
तो तीन सजेशंस आर्टिकल में दिए जाते हैं। सबसे पहला सजेशन, नेपाल सरकार सिर्फ ऑप्टिमम लोगों को लाइसेंस दे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए। दूसरा सजेशन ये दिया जाता है, जिन भी लोगों को लाइसेंस दिया जाए ये जरूर इंश्योर किया जाए सभी प्रकार के सेफ्टी मेजर्स को फुलफिल किया जा रहा है, ताकि कम से कम पर्वतारोहियों की डेथ हो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, साफ सफाई का जरूर ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो माउंट एवरेस्ट पर कॉमर्शियल ऑपरेशंस के चलते वहां पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट फैल जाए और उसे बाद में ठीक भी नहीं किया जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन सजेशंस आर्टिकल में दिए जाते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।